हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ कोई रेमेडी शेयर नहीं करने जा रही। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस, जो कि मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी है, आपको जानना चाहिए। सो बात उस टाइम की है जब मैंने अपना यूट्यूब कैरियर शुरू किया था 2017 जून में, और मैंने अकेले नहीं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट किया था ये। कुछ फ्रेंड्स बाद में जुड़ गई थी, लेकिन जो मतलब मेरे करीब करीबी फ्रेंड्स थी उसके साथ मैंने शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, सबसे लास्ट में मैं थी, क्योंकि मेरा सबसे लास्ट में मोनेटाइजेशन हुआ है। मेरे बाकी दोस्त लोगों का सबसे मतलब पहले होता गया, और सबसे लास्ट में मेरा 21 अगस्त 2019 को मेरा मोनेटाइज हुआ। पूरे 2 साल मैंने इसमें मतलब अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए मेहनत की, तब जाके 2019 में मेरा ये चैनल मोनेटाइज हुआ। सारा कुछ सब कुछ बढ़िया चला था, कोई भी प्रॉब्लम कुछ नहीं था। धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे, नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी। प्रॉब्लम वहां शुरू हुई जब मैं ग्रो करना शुरू हुई। मेरी कुछ वीडियोस लोगों को अच्छी लगी, पसंद आई, तो वो मूव होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसके बढ़ने के चक्कर में मतलब उसके बढ़ जब वो बढ़ रही थी, उस टाइम मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी मैंने कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से भी होगा, क्योंकि YouTube मेरे लिए भी नया था। मैं बहुत कुछ नहीं जानती थी। अब तो मैं बहुत कुछ जान गई हूँ इस फील्ड के बारे में, यहाँ पे लोग जो काम करते हैं उनके बारे में, लेकिन उस टाइम मैं बिल्कुल अनजान थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो उस टाइम क्या होता था, जब मेरी वीडियोस ग्रो कर रही होती तो उस टाइम मेरे पास मेरी कोई भी वीडियो जाती थी, स्पेशली हेयर की वीडियो जाती थी, तो उस पे मुझे लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिलते थे, और मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते थे कि जिसको मैं वहां पे छोड़ भी नहीं सकती थी, मुझे उसे डिलीट करना पड़ता था। ऐसे कमेंट्स होते थे कि जिसे कोई जेन्यून पर्सन नहीं दे सकता, इसे वही दे सकता है जो आपको जानता हो, क्योंकि वो मतलब डीपली ऐसे गहराई वाले मैसेजेस होते थे जैसे कि सामने वाला मुझे बहुत अच्छे से जानता है और वो कमेंट्स कर रहा है। तो सामने वाला जो आपको बहुत अच्छे से जानता है वो कौन हो सकता है, आपका दोस्त? लेकिन मुझे फिर ये भी नहीं पता था, उस टाइम भी मुझे ये नहीं पता था कि ये कौन कर रहा है। मैंने इन लोगों से, अपने फ्रेंड लोगों से बोला कि यार मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे ऐसे, क्या करूं मैं, मतलब बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं। तो ये लोग कहते थे छोड़ दो, जाने दो, इस तरह के कमेंट्स आते हैं, सबके पास आते हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई इस फील्ड में ऐसा होता होगा कि जब हम ग्रो करते हैं तो आते होंगे ऐसे कमेंट्स, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं वो अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरी वीडियोस नहीं अच्छी लगती या बहुत ज्यादा नहीं अच्छी लगती होगी, तो वो इस तरह के कमेंट्स करके चले जाते हैं। तो मैंने इसको बहुत ही लाइटली लिया, और मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ लगातार नहीं होता था। ये मेरे साथ तभी होता था जब मेरी वीडियो ग्रो करी, यानी कि मैं ग्रो कर रही होती हूँ उसी टाइम ये होता था, और जब मैं डाउन होती तो इस तरह का कुछ नहीं होता, ना मुझे डिसलाइक मिलते थे और ना ही मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मिलता था। फिर धीरे धीरे करके जब 1 साल क्रॉस हुआ, तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज इंसान गलती करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छोड़ देता है कि सामने वाला उससे पकड़ के आपको ढूंढ सकता है कि ये कौन कर रहा है। तो बिल्कुल उन लोगों ने भी यही किया जो मेरे को कमेंट्स कर रहे थे, उन लोगों ने एक गलती कर दी, और मैं मतलब उस टाइम जब मुझे ये पता चला कि ये कौन कर रहा है, तो मुझे इतना खराब लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिकॉज उसमें एक दोस्त मेरे बचपन की है, और मेन वही थी, वही कर रही थी, उसी ने सारा कुछ किया था, और ये चीज मैं पिछले 1 साल से इसको बर्दाश्त करती आ रही हूँ। आप सोच सकते हैं 1 साल से बहुत ज्यादा टाइम होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है किसी चीज को अपने अंदर रखने का। मैं कभी किसी से बोलती नहीं थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी सर्कल में बहुत कम है, और जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे इस तरह की बात मैं नहीं करती थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं इन लोग को इस तरीके से आपके साथ शेयर करूं, बताऊं, क्योंकि सोशल मीडिया में किसी की लाइफ को लेकर के किसी को बोलना मुझे नहीं अच्छा लगता। बहुत सारे आपने ब्लॉगर्स को देखा होगा जो अलग अलग एक एक कमेंट को टारगेट करके उस पर वीडियोज बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। पिछले 1 साल से ये लोग मेरे को इस तरीके से परेशान करती आ रही, पर मैंने कभी नहीं किया, लेकिन कल की डेट में इतना ज्यादा कर दिया
इतना ज्यादा, वो एक साल का जो जितना था, जो मैं बर्दाश्त करके अपने अंदर रखी थी, उसको इतना ज्यादा कर दिया कि वो बिल्कुल लिमिट को क्रॉस कर गया और मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया। आज मैं उन दोनों के आपको नाम भी बताऊंगी जो पिछले एक साल से मेरे वीडियोस को, मेरे आइडियाज को, मेरे थंबनेल, मेरा टाइटल, मेरा डिस्क्रिप्शन, यहाँ तक कि मेरे नाम को, मेरे चैनल के नाम जो रॉयल उशी चैनल है उसको कॉपी करती आ रही। मेरे जितने भी टाइटल्स होते थे उनको कट करके अलग अलग टुकड़ों में वो अपने डिस्क्रिप्शन में डालती हैं। अगर आप लैपटॉप से चेक करेंगे तो मेरा नाम आपको उनके टैग्स में मिलेगा। फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती थी, मुझे पता था वो मेरे साथ ऐसा कर रही है, पर मैं नहीं बोलती थी बिकॉज बोलने से कोई फायदा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में एक दो बार समझाने की कोशिश की बहुत ही पोलाइटली, बट उन लोगों का जवाब ऐसा होता था कि जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हूँ। तो फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। मैं कोई कमेंट्स करती ना, मैं डिसलाइक देती, लेकिन उन लोगों का बराबर चालू था। ऐसे ऐसे कमेंट्स वो लोग देती थी, मतलब मेरी फैमिली तक आ जाती थी कमेंट्स देने के लिए। अगर आपकी फैमिली को कोई आपके सामने कुछ बोले तो आप क्या चुप रहेंगे? जैसे कि मैं कभी लाइव में आती थी और मैं बोलती थी कोई मेरे को ऐसे बोल रहा है, तो आप ही लोग कहते थे कि जाने दीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए। लेकिन अवॉइड कब तक कोई करेगा? आपको अगर इस तरीके से कोई मिसलीड कर रहा है, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है जो कि आप हैं नहीं, तो आप कब तक उस चीज को बर्दाश्त करेंगे? कभी तो उस चीज से आप बाहर निकलना चाहेंगे। और इसके ये सारी चीज के चक्कर में होता क्या था, मैं उन लोग को बोल नहीं पाती थी ना मैं उनको बोलती थी, लेकिन उसकी वजह से मेरे अपने घर का माहौल खराब हो जाता था। मेरे बच्चे हैं उनके ऊपर गुस्सा निकलता था, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, उनके ऊपर मेरा गुस्सा निकल जाता था। मेरी आप लोग से यही एक सजेशन है और एज अ रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि उनके अंदर भी काबिलियत है कुछ करने की, लोगों को दिखाने की, तो आप बिल्कुल इस फील्ड में आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। लेकिन अपने हार्ड वर्क को, अपनी इंफॉर्मेशन को कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, स्पेशली अपने फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स को तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज यही वो लोग होते हैं जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको देखना पसंद नहीं करते, आपको मिसलीड करते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं और आपको अलग अलग आईडी से आकर के कमेंट्स करेंगे, आपको डिसलाइक देंगे, आपको इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि आप एक टाइम ऐसा सोचोगे कि यार मैं क्यों आई यहाँ पे, मैं इसको क्विट कर देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, इतना ज्यादा परेशान कर देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे दोस्त एक जैसे होते हैं, बहुत दोस्त बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, वो आपके साथ लंबे समय तक बने रहते हैं, लेकिन उन्हीं दोस्तों में कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी कामयाबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको ये चीज हजम ही नहीं होती कि ये आगे कैसे बढ़ गई, ये ग्रो कैसे कर गई। आज मैं उन दो लोगों के नाम भी बताऊंगी आपको जो मुझे पिछले एक साल से परेशान कर रहे हैं, मुझे इतना ज्यादा परेशान किए कि मैं एक टाइम ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं इस चैनल को छोड़ दूं, मैं इसे क्विट कर दूं। मैं उनकी वजह से मैं इतना रोई हूं, मेरा घर परिवार एकदम बिल्कुल से, मुझे टेंशन हो जाती थी जब वो मुझे इस तरह के कमेंट्स करते थे। वो मुझे कहते थे कि तुम कभी ग्रो नहीं करोगी, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकती, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। इतने ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे आते थे। अगर मैं किसी, कभी अपने बच्चे की मैंने फोटो डाली है तो उस पर भी कमेंट करते थे। सोच लीजिए उनकी मानसिकता कैसी होगी जो एक बच्चे को लेकर के टारगेट करते हैं। मैं ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं लेके आना चाहती थी क्योंकि सोशल मीडिया में मुझे किसी भी तरह का, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, ये नहीं अच्छा लगता कि मैं उनके बारे में बोलूं। लेकिन कल जो उसने किया ना, मुझको सोशल मीडिया में ला करके मुझे एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जो कि मैं हूं नहीं। समझ लीजिए कल का पूरा दिन, पूरी रात मैं सोई नहीं, मुझे मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैं कभी किसी से अपनी बात शेयर नहीं करती, मैं अपने अंदर ही रखती हूँ इस चीज को, इसलिए मैं पिछले एक साल से इनको टॉलरेट करती आ रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो, शायद अब सुधर जाए, शायद अब सुधर जाए, लेकिन नहीं, इनको सुधरना ही नहीं, इनको मुझे परेशान करना ही करना है। इसलिए ये इतनी ज्यादा नीचे गिर गई कि इन्होंने मेरे साथ ये सब कर डाला। तो
मैं आपको बता रही हूँ उन दो लोगों के नाम जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, जिन्होंने पिछले 1 साल से मेरे आइडियाज को, मेरे वीडियोस को, मेरे टाइटल को, मेरे थंबनेल को, मेरे डिस्क्रिप्शन को, यहाँ तक कि मेरे नाम को भी कॉपी किया। उनमें सबसे पहले नाम आता है मनीषा प्रणय का और सेकेंड नंबर पे नाम आता है एसजी ब्यूटी एंड स्टाइल चैनल का, जिनका नाम सोनी गर्ग है। ये दो लोग आप लोग भी जानते होंगे उनको अच्छे से, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स उनके भी व्यूवर्स होंगे, सो आप लोग उन दोनों को अच्छे से जानते होंगे। आप मेरी पिछले 1 साल की वीडियोस देखिए और उनकी वीडियोस देखिए, अगर आपको टाइम और डेट पता चलता है तो और भी अच्छा है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज यहाँ पे दिख जाएगी कि वीडियो पहले किसने पोस्ट की और किसने किसका कॉपी किया। जैसे कि ये लोग मेरे पे ब्लेम करते हैं कि तुम मेरा कॉपी कर रही हो, तुम मेरा ले रही हो, तो मैं भी यहाँ पे ये चीज जानना चाहती हूँ कि मैंने किसका कितना कॉपी किया। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि किसने किसको कॉपी किया और क्या क्या चीज कॉपी किया। मेरे मॉर्निंग मैसेजेस कॉपी किए, या फिर मैं गुड मॉर्निंग जो मैसेज डालती हूँ वो कॉपी किया, या फिर मैंने जो भी जिस भी वीडियो को बनाया उस पे जो भी नई चीजें बातें मैंने बताई, चाहे वो हेयर के को लेकर के हो या फिर झाइयों को लेकर के हो, उसको कॉपी किया या नहीं किया, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सो बस दोस्तों यही आपके साथ शेयर करना था। एक्सपीरियंस तो लाइफ के बहुत सारे होते हैं, मेरी भी लाइफ के हैं, सबकी लाइफ के होते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था, ताकि जो गलती मेरे से हुई वो आपसे ना हो सके। अगर आप इस फील्ड में आ रहे, सेम फील्ड में दोस्त हैं, यही चीज अगर हम लड़कों के साथ देखें तो नहीं होती है, क्योंकि लड़कों के अंदर इस तरह की जेलसी की या फिर ग्रो और डाउन होने की इतनी, ये लोग इतना नहीं, उस चीज को माइंड नहीं करते, पर लड़कियां इस चीज को बहुत माइंड करती हैं, औरतें इस चीज को बहुत माइंड करती हैं कि ये मेरे से आगे कैसे चलेगी। तो यहाँ पे जेलसी आती है और लैग पुलिंग आती है कि आपको डाइवर्ट किया जाए, आपको मिसलीड किया जाए। और जो मनीषा पढ़ने हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मिसलीड किया, स्टार्टिंग से लेकर के मुझे मेरा पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। मैं किस तरह की वीडियोस बनाना चाहती थी, मैं यार डालना चाहती थी, सब कुछ उसने मेरा मिसलीड किया, मुझे अच्छे से डाइवर्ट किया, मिसलीड किया, मेरी लैग पुलिंग की, मुझे डिसलाइक दिया, मुझे गंदे गंदे कमेंट्स किए, सब कुछ किया। मतलब बिल्कुल जो एक कहते हैं कि दुश्मन करते हैं, उस तरीके से दोस्त होकर के, दोस्त बन करके उसने ऐसा मेरे साथ काम किया। आपके साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए पहले से ही अवेयर कर रही हूँ। कभी भी किसी भी फील्ड में जाइए, अपनी कोई भी सक्सेस हो, अपना कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अपना कोई भी बात हो, अपने घर वालों से शेयर कीजिए, बट अपने फ्रेंड से कभी मत शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स कभी भी आपको ग्रो होता हुआ नहीं देख सकते। सो चलिए गाइस, बस इतना ही था आज का एक्सपीरियंस। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए।